हाँ शुरू कीजिए। इन द अर्लिएस्ट सिटी, हमने प्राचीन शहर के बारे में पहले कल के भी क्लास में बहुत सारी चर्चा की थी, फिर भी मैं एक बार आपको शॉर्ट करके रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे कल अब्सेंट भी रहे थे इस SST के क्लास में, इसके लिए खास तौर से ध्यान रखने के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट्स रखा है। इसको एकदम सीधा रखिए, अर्लिएस्ट सिटी पे फोकस कीजिए, अर्लिएस्ट सिटी ऐसे रखिए। तो यहाँ पे मैंने बताया था विलेज से शहर बनते गए, क्यों, क्या हुआ कि विलेज जैसे जैसे बढ़ता गया वही बेसिकली शहर में परिवर्तित होते चले गए थे। एक था मेजर एंशियंट सिविलाइजेशंस में हमने एक बातें बताई थी कि इसमें बहुत सारे तरह की चीजों की सिविलाइजेशन हुई थी, नए नए चीजों को खोजा गया था, इसमें पता किया गया था कि जो सिविलाइजेशन है, उन्नति जब हुआ था इंसान का, तो कुछ इंडस वैली के थे, कुछ हड़प्पा संस्कृति के थे, तो ये सारे चीज के डेवलपमेंट, चुप करने बोलना रे इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पीरियड 2600 से 1900 BC के अंदर हमने बताया था कि किस तरह से ये खोजा गया था। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट बुझाए, ये पेज हमने कंफर्म पढ़ा दिया था कल, फिर भी अगर आपको डाउट बुझाए तो ये किस तरह से वर्क किया था, तो आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, और फिर आपको जो समझ में नहीं आएगा आप पूछ लीजिए, आप इसके ऊपर फोकस कीजिए, इसके ऊपर, ठीक है। साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोथल गुजरात, ये सारे जगह के नाम हैं जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था। लोथल गुजरात, गल्फ ऑफ कॉम्बे, कोलंगबाग राजस्थान, रोपर पंजाब, आलमगीर उत्तर प्रदेश, बैनवाल हरियाणा, कॉट डीजी पाकिस्तान। चीफ फ्यूचर्स ऑफ द हरप्पन कल्चर, क्या था इसका हरप्पन कल्चर का फीचर्स, अरे उसको बोलो चुप रहने के लिए, बोलो चुप रहने, बोलो बच्चे। टाउन प्लानिंग, द इंडस वैली पीपल हैड एन एक्सीलेंट स्किल इन टाउन प्लानिंग, द स्ट्रीट एंड लॉन्स ऑफ देयर टाउन्स वेयर लेड आउट अकॉर्डिंग टू ए सेट प्लान, दिस वेयर स्ट्रेट एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स ईच रोड, कि कैसा था, देखिए किस तरह का हरप्पा कल्चर में टाउन का प्लानिंग किस तरह से किया गया था, इस चीज को ध्यान देने वाली बात। इंडस वैली पीपल हैड एन एक्सीलेंट स्किल, जो इंडस वैली में रहती थी, इंडस सभ्यता में जो लोग रहते थे, जीते थे, उनके पास बहुत बढ़िया स्किल था इन टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग का मतलब किस तरह से शहर को बसाना है, उसका बहुत अच्छा एक स्किल था उनके पास। घर का जो स्ट्रीट होता है, गली जो होता है, और जो लेन होता है ऑफ देयर टाउन्स वेयर लेड आउट अकॉर्डिंग टू ए सेट प्लान, सेट मतलब एकदम बिल्कुल प्लान्ड था, दिस वेयर स्ट्रेट एंड कट इच अदर एट राइट एंगल, एकदम हर घर एक दूसरे को राइट एंगल पे काट करके बनाया। राइट एंगल कहते हैं जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की होती है, जो स्ट्रेट एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, एकदम बहुत डिजाइन करके घर बनाया गया था। रोड्स बहुत बड़े बड़े थे, स्ट्रीट पैव्ड विथ फायर बर्न्ड ब्रिक्स, फायर बर्न्ड ब्रिक्स, लाल लाल ब्रिक्स से रोडों को बनाया गया, बहुत बढ़िया डिजाइन से तैयार किया। देयर वेयर कवर्ड ड्रेन्स रनिंग अंडर देम, और जो ड्रेन्स वगैरह थे इसको सही से लगाया गया था, एकदम किताब को फोकस कीजिए, 3 नंबर किताब दिखना चाहिए ना, अक्षर दिखेगा नहीं बच्चा समझेगा कैसे। ब्रिक्स, देयर वेयर कवर्ड ड्रेन्स रनिंग अंडर देम, देयर वेयर लैम्प पोस्ट एट रेगुलर डिस्टेंस, और जो लैम्प पोस्ट होते थे, आप जाइए होमवर्क ले लिए ना, जाइए आप लोग घर जाइए, और कुछ ना है, और डाउट है, अच्छा रुक जा पूछ लेना। ड्रेनेज सिस्टम, मोहनजोदड़ो, लोथल एंड अदर सिटीज आर नोन टू हैव अ गुड ड्रेनिंग सिस्टम, हाउस ड्रेन एम्प्टीड इनटू द मेन ड्रेन्स, द मेन ड्रेन्स रेन अंडर द मेन स्ट्रीट, और जो मुख्य ड्रेन्स था मुख्य स्ट्रीट के अंदर में बना हुआ था, मतलब जो ड्रेन ब्रेन का जो निर्माण कराया गया था काफी उसके अंदर में था। इंस्पेक्शन मैन होल्स वेयर प्रोवाइडेड एट रेगुलर डिस्टेंस, और पूरे पानी के निकासी का जो मैन होल बनाया गया था एकदम एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखा गया,
वाटर सप्लाई वाज ऑल्सो गुड, पानी का भी सप्लाई बहुत अच्छा था। ऑल दिस शोज दैट द एफिशिएंट सिविक्स एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट हैव एग्जिस्ट इन दिस टाउन। और जो अंदर का जो गंदगी वगैरह को निकालने की प्रक्रिया, मतलब सब कुछ सिस्टमेटिकली था पहले के समय, जो सोचेगा अभी भी नहीं हमारे। अभी बारिश में पानी जम जाता है तो पूरा खतरा खतरा हो जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, इतना डेवलप्ड था। शहर कैसे थे, देयर बिल्डिंग्स एंड हाउस, द पीपल ऑफ द इंडियन वैली हैड बिल्ड थ्री कैटेगरीज, तीन तरह के बिल्डिंग वो लोग बनाते थे, नेमली द लार्ज बिल्डिंग, बड़ा बिल्डिंग होता था, पब्लिक बोथ एंड द पीपल्स ड्वेलिंग हाउस, दो घर वाले भी होते थे, बड़े घर वाले भी होते थे और सिंगल घर वाले भी घर बनाते थे, हवेली नुमा टाइप सबका। द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हरप्पा वेर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, और जो शहर थे मोहनजोदड़ो और हरप्पा के दो भागों में बांट दिए गए थे। एक भाग सिटी वॉज बिल्ड ऑन ए रेस्ट ग्राउंड एंड इट वॉज कॉल्ड सीटाडेल, रेस्ट ग्राउंड के तौर पर एक का निर्माण कराया गया था जिसको सीटाडेल कहते थे, और पार्ट टू वॉज बिल्ड ऑन लोअर लेवल, और दूसरा पार्ट दूसरे तरफ का जो बनाया गया था काफी नीचे के लेवल से बनाया गया था। द सीटाडेल हैज लार्ज पब्लिक बिल्डिंग ऑन इट, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग होते थे। आप फोटो को जरा से दिखाइए, यहाँ गौर से देखिए किस तरह के फोटो होते थे, ये कैसा बिल्डिंग घर कंस्ट्रक्ट करते थे, बहुत जबरदस्त होता था कंस्ट्रक्शन। उसके बाद था द ग्रेट गैलरीज, ग्रैनरीज, द ग्रेट गैलरीज एट हरप्पा वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग एट द सिटाडेल। सिटाडेल का जो है जो हरप्पा संस्कृति में जो बिल्डिंग का निर्माण किया गया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग हुआ करता, वो महत्वपूर्ण बिल्डिंग होती थी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करता। सिमिलरली मतलब बहुत ही महान हरा भरा जंगल, मतलब हरा भरा एरिया हो, जैसे कि पूरी तरफ नीचे छोटा छोटा दुबड़ी का कालीन बिछाया गया हो, एकदम कटिंग ग्रास किया हो, हरा भरा एकदम पूरा। हरप्पा वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ऑन द सिटाडेल का, मतलब अगर उसका घर आप देख लेने से आपको ऐसा लगता कि जो नीचे लॉन होती है ना, बिल्कुल छोटे छोटे घास से साफ करके लगाया गया है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है हरप्पा का। सिमिलरली द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदड़ो वॉज ऑल्सो ए ग्रेनरी, और जो इसी तरह का बड़े बड़े बिल्डिंग जो था मोहनजोदड़ो का वो भी कुछ इसी तरह का था, विच रैन लगभग 40 मीटर लंबा होता था, अब 15 मीटर चौड़ा बिल्डिंग होता था, इतना बड़ा बड़ा घर बनाता था। दिस ग्रेनरी वेयर यूज टू स्टोर फूड ग्रेन, और इस ग्रेनरी का यूज किया जाता था आप वो फूड को स्टोर करने में, भोजन को। ग्रेनरी आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत बड़ा प्लेस है और नीचे पूरा घास को पूरा काट करके साफ से लगा दिया गया, या आप जिसको कह सकते हैं अभी के समय में गोडाउन, आप समझ सकते हैं गोडाउन, गोडाउन जैसा होता है, तो गोडाउन कैसा करता है, बड़ा बड़ा गोडाउन बनाता, ऐसा घर होता था। घर के अंदर घुसने से पहले चारों तरफ एक हवेली नुमा हाता दिखती थी, और तब उसके पीछे घर होता था। 40-40 मीटर मतलब एक लंबाई हुई यहां से इस पोल से लेके वहां पोल तक, लगभग 40 मीटर। अभी का घर कितना बनता है, 8x10 का बहुत, अब फीट में हो, 8x10 मीटर भी नहीं है, उसका कैलकुलेशन फीट का कैलकुलेशन है। जबकि जहां तक हम लोगों को पता है कि एक मीटर में तकरीबन कितना 2.5 फीट या कुछ होता है, 2.5 या 3 फुट के आसपास। एक हाथ से आपने मेजरमेंट करके देखिए, एक हाथ तकरीबन 1 फीट के बराबर है हम लोगों का, तो लगभग 3 हाथ 1 मीटर लगभग, ये यहाँ से लेके वहाँ तक 1 मीटर है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से डिजाइन किया गया। ग्रेट पब्लिक बोथ एट द मोहनजोदड़ो, महान लोग होते थे मोहनजोदड़ो में, ग्रेट पब्लिक बात एट मोहनजोदड़ो, ठीक है, किस तरह से मोहनजोदड़ो के लोग बात करते थे। ए ग्रेट पब्लिक बात हैड बीन एक्सकेवेटेड मोहनजोदड़ो, इट इज ओवरऑल डायमेंशन पर, बात मतलब स्नान करना, नहाते हैं ना, तो यहाँ के लोग कहाँ कहाँ नहाते, तालाब में बड़े बड़े ये होते थे उसके नीचे नहाते थे।
ए ग्रेट पब्लिक बोथ हैड बीन एक्सकेटेड द मोहनजोदड़ो, इट्स ओवरऑल डायमेंशन वॉज 55x35, 55 और 35 मीटर का बहुत बड़ा बड़ा तालाब बनाया जाता था, उसमें नहाते थे। द बाथिंग पूल वॉज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पब्लिक बाथ, कहाँ पे एकदम बीचों बीच ये सिचुएटेड था, स्थित था। इट मेजर 11.7 मीटर्स बाय 6.9 मीटर इन लेंथ एंड ब्रेथ, ये लगभग 11.7 और 6.9 मीटर लेंथ और ब्रेथ में बनाया गया था। द डेप्थ ऑफ द बाथिंग पूल, और इस बाथिंग पूल अभी के समय आप इसको स्विमिंग पूल समझ लीजिए, जहां पे आप तैरते हैं, आप लोगों ने स्विमिंग पूल देखा है, बहुत जगह आप लोग नहाए भी हैं, तो अभी के समय उस समय होते थे स्विमिंग पूल, वॉज 2.4 मीटर, लगभग 2.4 मीटर लंबा होता था, अंदर गड्ढा 2.4 मीटर, और 2.4 मीटर मतलब दो आदमी लगभग उसमें डूब जाए, इतना बड़ा बड़ा पूल बनाता। इट वॉज यूज इन रिलीजियस ओकेजन और फेस्टिवल, और इसका इस्तेमाल कोई फेस्टिवल के दौरान करते थे, जैसे कोई मूर्ति को भसाना वगैरह हुआ, ये सारे तरह के चीजों का कोई फेस्टिवल है, जैसे छठ पूजा उसके चारों तरफ घूम घूम करके आप लोग पूजा पाठ करते हैं। असेंबली हॉल कैसा था देखिए, आज यहां तक खींच ही लेंगे। द असेंबली हॉल वॉज ऐसे और दिनों में फोन करो तो इनको टाइम पे भी नहीं आता, ऐसे करेक्ट 7:50 में आए। द असेंबली हॉल वॉज एनदर पब्लिक बिल्डिंग, असेंबली हॉल जो है और एक पब्लिक बिल्डिंग था ये एट मोहनजोदड़ो का। इट वॉज ए स्क्वायर हॉल 25 मीटर इन 25 का असेंबली हॉल होता था, विधानसभा भवन, जहां पे लोग बैठ करके भाषण देते थे, जो राजा लोग होते थे वो अपने प्रजा को संबोधित करते थे। इट हैज 20-20 पिलर होता था, बड़ा बड़ा बिग पिलर, मोटका मोटका पिलर खड़ा रहता था इसके ऊपर, टू सपोर्ट एंड हाई पिस्ट रूफ, और इसके ऊपर काफी मोटा सा रूफ डाला होता था, जो ऊपर का जो बिल्डिंग का वो होता था। हाँ, दिस पिलर्स वेयर अरेंज्ड इन 4 रोज ऑफ 5 पिलर्स ईच, ये लगभग 4 और 5 के पिलर में अरेंज किया, 4 इधर से रहा 5 इधर से रहता था इस तरह से। इन दिस हॉल द रूलर्स हेल्ड देयर मीटिंग ईटीसी, तो जो रूलर्स होते थे जो शासन करते थे हम लोगों के ऊपर, वो वहां से सबको भाषण देते थे, कंट्रोल करते। लोथल डॉक एट लोथल्स नियर अहमदाबाद, ए नेवल डॉकयार्ड हैज बीन, डॉकयार्ड करते हैं एनक्लोजर स्वीट डॉक्स फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ सी, ऐसे जगह कहां कहा जाता है जहां पर बिल्डिंग शिप्स को जहाज का रिपेयरिंग करते हैं, जो पानी जहाज वगैरह होता है ना, पानी जहाज बिजनेस पर्पज के लिए एक जगह दूसरे जगह जाने वाली प्रक्रिया बिजनेस जहाज कहते हैं उसको, तो वो अहमदाबाद के नजदीक था, क्योंकि इसका कारण है कि अहमदाबाद में थोड़ा आगे हरिपीर एक जगह है, वहां समुद्री किनारा है और उधर से उस तरफ पाकिस्तान हो जाता है जनरली, तो चूंकि समुद्री किनारा जहां रहेगा वहीं पे डॉकयार्ड बनाया जाएगा। सिंपल द सोर्स दैट द पीपल्स ऑफ द इंडस वैली कैरिड आउट सम मैरीटाइम एक्टिविटी ड्यूरिंग द पीरियड, इससे पता चलता है कि उस समय भी ये लोग कुछ व्यापार का काम डॉकयार्ड से किया करते थे। पीपल्स ड्वेलिंग हाउस, डबल डबल घर होता था, लोअर पार्ट ऑफ द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो हैड द ड्वेलिंग हाउस ऑफ द पीपल, द हाउस अनअर्थेड वेयर टू डिफरेंट साइज फ्रॉम 2-room हाउस टू पैलेटियल वंस, दो दो रूम करके एक रूम में जोड़ा गया घर बनाते थे, ड्वेल ड्वेल रूम होता था, मतलब एक घर आप घुसेंगे तो 2 room को कंजेक्ट कर लेंगे, लेकिन अभी ऐसा घर नहीं है, अभी आपका एक घर अलग है तो दूसरा घर अलग है, लेकिन ये घर की कला अभी भी कहीं कहीं दिखाई जाती है। मोस्ट ऑफ दिस हाउस हैड डबल स्टोर्स, इनकी क्लियर दैट इज द स्टेयर मास, द फर्स्ट फ्लोर हैड स्लीपिंग एंड द अदर रूम द हाउस वेयर मेड ऑफ बेग्ड ब्रिक्स एंड मड मोर्टर, समटाइम्स इवन लाइम एंड जिप्सम मोर्टर वेयर ऑल्सो यूज टू एड स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर, और इस तरह से इसको ब्रिक्स से इस तरह से मोल्डिंग किया था ताकि स्ट्रक्चर जो है इसका और मजबूत बना रहे। तो इस तरह से हमने आपका यहां तक कवर किया, कल 3 सोशल ग्रुप ऑफ पीपल होगा, आज इसको बोल भी देंगे ये लोगों को कि 8:30 के बाद हम, ताकि अगर 7:45 भी आप लोग आएंगे तो 8:30 बजे तक हम सबका कवर कर देंगे, 2.5 घंटा।
तब आधा रहेगा, खत्म हो जाएगा कल, ठीक है, बंद करो चलो।